तेलंगाना में बनेगी कांग्रेस की सरकार। चुनाव से पहले एक सर्वे ने बढ़ाई भाजपा की टेंशन, मचा हड़कंप। दरअसल आपको बता दें, तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बाजी मार सकती है, यह दावा लोक पोल की ओर से किए गए एक चुनावी सर्वे में किया गया है। इस सर्वे में कहा गया है कि आगामी चुनाव में कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बनने की संभावना है। गुरुवार को जारी यह सर्वे कहता है कि विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के साथ कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। लोक पोल के इस सर्वे में भविष्यवाणी की गई है कि 119 सदस्यीय तेलंगाना विधानसभा में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को 61 से 67 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि वर्तमान में सरकार चला रही BRS को 45 से 51 सीटें मिल सकती हैं। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 6 से 8 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं भाजपा को इस दक्षिणी राज्य में मात्र 2 से 3 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। यह स्थिति तब है जब भाजपा राज्य में बड़ी जीत के दावे करती रही है, इसके साथ ही किसी अन्य छोटे दल के खाते में भी एक सीट आ सकती है। बात अगर वोट शेयर की करें तो BRS को 39 से 42 प्रतिशत वोट मिलने की संभावना है, जबकि कांग्रेस को 41 से 44 प्रतिशत वोट मिलने की संभावना है। AIADMK को 3 से 4 प्रतिशत और भाजपा को 10 से 12 प्रतिशत वोट और अन्य को 3 से 5 प्रतिशत वोट शेयर मिलने की संभावना है। सर्वे में वोट शेयर के अनुमान को देखें तो कहा जा सकता है कि भले ही भाजपा को कम सीटों पर जीते, लेकिन वोट शेयर अभी भी 10% से अधिक रह सकता है। वहीं जिन दो दल कांग्रेस और BRS में मुख्य मुकाबला होने की बात कही जा रही है, उसमें वोट शेयर का अंतर बहुत मामूली हो सकता है। इस तरह से देखें तो कई सीटों पर दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस सर्वे को करने वाले लोक पोल का कहना है कि सर्वे के लिए तेलंगाना की 119 विधानसभाओं में से प्रत्येक से 500 से अधिक सैंपल एकत्र किए गए थे। 10 अगस्त से 30 सितंबर तक करीब 60,000 सैंपल एकत्र किए गए। इन सैंपल के प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह सर्वे रिपोर्ट बनाई गई है। चुनाव पूर्व हुए इस सर्वे में कहा गया है कि तेलंगाना में बेरोजगारी युवाओं के बीच एक बड़ा मुद्दा बन गई है। राज्य सरकार नौकरियां और बेरोजगार के अन्य अवसर देने में विफल रही है, जिससे युवाओं में गुस्सा पैदा हो गया है। सिंचाई और नियमित बिजली आपूर्ति से संबंधित अधूरे वादों के कारण राज्य भर के किसान आंदोलित हैं। इन सबके कारण राज्य में कांग्रेस मजबूत हो रही है।